कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शंकरनगर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई। शनिवार की शाम ये बैठक खत्म हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज स्क्रीन कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलग अलग जिलों में नेता, पूर्व मंत्री, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य सबसे गहन चर्चा की है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं। सचिन पायलट ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि हम आने वाले समय के लिए तैयार हैं। हम जनता की आवाज बनकर 10 साल के केंद्र की सरकार से कठोर सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी, इसे लेकर एक बैठक भी हुई। हम यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। कल और आज दोनों दिन जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और सदस्य हैं, उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम अलग अलग जिलों के हमारे नेता, पूर्व मंत्री, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य, उन सब से गहन चर्चा करी है। और लोकसभा चुनावों को लेकर जो उम्मीदवार हैं और किन लोगों को आगे नाम प्रस्तावित करने हैं, उस पर चर्चा हुई है। जैसे मैंने कल कहा, बड़े खुले माहौल में सब लोगों ने अपनी राय दी है। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर इस चुनाव में कम नहीं हुआ, हम सरकार नहीं बना पाए हैं, लेकिन लोकसभा के चुनौती के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं। और आज जो हमारे यूथ कांग्रेस की प्रदेश की कार्यकारिणी है, उसकी मीटिंग हुई है, उसको हम सबने संबोधित किया है। पूरी पार्टी, तमाम नेतागण एकजुटता से तैयार हैं आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए। और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है, उनसे वो कठोर सवाल पूछेंगे। जनता की आवाज बनकर महंगाई, बेरोजगारी, किसान, छोटे उद्योग, महिला, नौजवान, हर व्यक्ति पीड़ित है। और 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है, उसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता के बीच में 10 साल की परफॉर्मेंस, उसका जवाब केंद्र की सरकार दे और भारतीय जनता पार्टी दे। और आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जी यात्रा जो है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो छत्तीसगढ़ भी आएगी। उस संदर्भ में हम लोगों ने आज मीटिंग करी है, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है और व्यापक तरीके से उस यात्रा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ऐतिहासिक स्वागत उनका होगा छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं मानता हूं कि इस यात्रा से देश, समाज और पार्टी सभी को लाभ मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मुझे देखकर खुशी हुई इन दो दिनों में कि सभी नेता संकल्पित हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम, जैसा आप लोगों ने मुझे पहले दिन पूछा था, हम इतिहास बनाने के लिए आए हैं और यहाँ पर उन तमाम सीटों को जीतेंगे जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हम उतारेंगे।